गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हरे कृष्णा और गुड मॉर्निंग। तो आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ही के दिन भगवान ने गोवर्धन को अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली पे उठाया था और भगवान ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्रदेव के प्रकोप से, और इंद्रदेव को सबक सिखाया था भगवान ने। और भगवान ने 7 दिन अपनी कनिष्ठा उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा था, जो कि बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपके कृष्णा ने तो ये किया था वो किया था, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर कृष्णा ने ये सब किया था तो अगर आप सब लोग वो करना चाहते हो तो कृष्णा की तरह गोवर्धन को क्यों नहीं अपनी चीज़ों। तो गोवर्धन क्या, आप लोग एक प्लेट को चीज़ उंगली पर उठा के दिखा दो मेरे को, या फिर एक ईंट को उठा के दिखा दो, तो मैं मान जाऊँगा। आप गोवर्धन की तो छोड़ो बात, आप यही करके दिखा दो। सो बहुत सारे लोग डेवोटीज हैं जिनको ये सब सुनना पड़ता है कि आपका कृष्ण तो रासलीला कर देता है, कृष्णा कितनी शादी हुई थी। भाई कृष्णा ने क्यों किया था इसका तत्व तो समझो, बिना तब तत्व समझा सब लोग बातें करने लग जाते हैं। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो घर पर गोवर्धन पूजा होगी एंड घर पे गिरिराज शिला भी हैं जिनका आपके अच्छे दर्शन होंगे, जिनका अभिषेक होगा, महाभिषेक होगा, भोग ऑफरिंग होगी, आरती होगी, महाआरती होगी। सो सभी घर पे प्रोग्राम होने वाला है आज। मैं बाहर जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब ठीक नहीं है, कोल्ड के कारण ना, थकावट के कारण। मैं आपको बता रहा था कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही, तो कल रात भी मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ, और रात को घर पहुँचे, फिर घर पहुँचने के बाद घर आए, वो सब कोल्ड हो गया, मुझे सांस आने में दिक्कत होने लगी थी, सारी रात ऐसी रहा मेरा निकला। एक बार नींद खुलती थी फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती थी। तो ट्रेन में आ चुकी है, अब मुझे लगता है व्लॉग को यहीं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सबको भी जब मैं भगवान का अभिषेक करूँगा तब मिलूँगा, तो मिलता है थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का इस ऑस्पिशियस डे पे मैं प्रे करूँगा भगवान से कि हम सबको भी भगवान इंद्र के वर्षा की तरह, जैसे उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे हमारी रक्षा भी करे। ये माया, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से हम लोग अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके, इसका आशीर्वाद दें हमें गोवर्धन गिरिधारी। तो श्री गोवर्धन गिरिधारी की जय, गोवर्धन की जय, गिरि गोवर्धन की जय। तो मिलता हूँ सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। गिरिराज जी के लिए आईज और उनका थोड़ी स्माइल बनाने वाला हूँ, तो भी वो उसकी तैयारी चल रही है। फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक करूँगा, अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद भोग ऑफरिंग होगी। तो गोवर्धन पूजा ऑलमोस्ट ऐसे ही डन होने वाली है आज। तो मिलता हूँ आप सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। सेट फॉर गोवर्धन पूजा, तो भी अभिषेक करूँगा भगवान का, उसके बाद भगवान को भोग ऑफरिंग करेंगे। गोवर्धन पूजा, सो सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी बस मैं गोवर्धन पूजा करने वाला हूँ। आप सबको पहले मैं दिखा देता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या अभिषेक करने वाला हूँ, किस किस से इसके साथ करने वाला अभिषेक, तो फिर आप सबको मैं वो दिखाता हूँ। ये मिल्क, वाटर, हनी, दही, शक्कर, घी एंड ये सम जूसेज हैं, तो इन सबसे होगा भगवान का अभिषेक। जो गिरिराज शिला, सो गिरिराज जी का भी अभिषेक होगा एंड आरती हो चुका है भगवान का। सो आरती के बाद सीधा अभिषेक स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम ब्रह्म संहिता गाएंगे, ब्रह्म संहिता के साथ साथ हम भगवान का अभिषेक करेंगे। बस अभी भगवान का अभिषेक स्टार्ट करते हैं, सो स्टार्ट करना है हमें ब्रह्म संहिता गाएंगे हम लोग अभिषेक करते हैं भगवान का, तो भगवान का अभिषेक करते हैं ब्रह्म संहिता ही गाते हैं, तो भगवान गिरिराज का भी हम लोग करते हैं अभिषेक स्टार्ट। तो मिलता हम सबको थोड़ी देर में, तो पहले गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि
धामे मना सविरास्तां किर्मन्याय एवं तेव पुरनात गोपाल बालम सविमन्याय मम विश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् गुच्छे होगी गुच्छे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज द गेम ब्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और मैं बोगो ऑफरिंग की वीडियो बनाने भूल गया, थक गया था इतना ज्यादा। मतलब सारा काम मुझे करना था क्योंकि उससे भी अभिषेक का काम मैं ही करता हूँ, फिर सब कुछ बर्तन जो भी यूज किए थे उसे धोना वोना सब चीज़ों की, तो फिर इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग गया था। तो मैं काम करने के चक्कर में बॉब ऑफरिंग की वीडियो बनाने भूल गया। मैंने दीप दान का वीडियो बनाया एंड गिरिराज जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। पापा ने उनकी आईज़ बनाई थी, कलर में नहीं किया, पापा ने उनकी आईज़ ड्रॉ करके दे दी, फिर कटिंग वटिंग करके उसको मैंने अच्छे से भगवान के ऊपर लगाया एंड भगवान जी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। और उसके बाद फिर बस खाना वाना भगवान को भोग ऑफर हुआ, फिर भोग ऑफर हमने खाया, प्रसाद पाया भगवान का अन्नकूट। और उसके बाद फिर अभी मैं ऊपर आया था, मैं कि चलो अब मैं सो जाऊँगा, थक गया हूँ क्योंकि दो दिन से ना मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है अच्छे से, क्योंकि बीमार हो गया हूँ बीच में, तो इस कारण से मेरी आँखें मतलब बीच में खुल जाती है, फिर उसके बाद घंटा घंटा नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया ऊपर और मैंने सोचा मैं सो जाऊँगा अभी। तो मिलता हम सबको कॉल कर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा वंस अगेन।